अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मज़े। मैं तो जनाब आज फाइनली आप लोगों से बात शेयर करने का टाइम आ गया है। बहुत से लोग जिनको पता है ऑलरेडी, बट जिन लोगों जो मुझे जस्ट यूट्यूब पे फॉलो करते हैं ना, उनको नहीं पता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पेरेंट्स अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना है तो कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैंने जो अपने रेगुलर चेकअप के लिए चेकअप जब करवाने जाती थी, तब मैंने जो अपने छोटे छोटे कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखे हुए थे, मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये मेरा सेकेंड लास्ट विज़िट था जब हम लोग विज़िट के लिए गए थे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पे। अभी ये 1 मंथ के बाद वाला था, और इसके वीकली चेकअप के लिए फिर मैं जाती थी। तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो आप लोग से शेयर करूं। अच्छा, अभी टाइम बहुत ज़्यादा, टोकन नंबर दूर था, तो मेहमत को बिज़ी रखने के लिए हम कैंटीन पे चले गए, क्योंकि यहाँ से जब भी हॉस्पिटल आना है मेहमत ने वेंडिंग मशीन से लाजमी कुछ ना कुछ लेना है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज वेंडिंग मशीन भी जो थी वो ख़राब थी, मेरा गला इतना ख़राब हुआ है ना इस टाइम। तो यहाँ पे जो है मेहमत वो देखे सामने वेंडिंग मशीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ख़राब थी। और यहाँ पे मैंने हमने समोसा लिया था, और वो समोसा उसको पसंद ही नहीं आ रहा था जनाब को। कौन सा कलर होता है आपके समोसे का बेटा? ये उन्होंने अच्छे से फ्राई किया हुआ ना, ये प्यारा है, खा ले। हॉस्पिटल जब विज़िट करने जाते थे तो 2 दिन जाती थी, एक दिन अल्ट्रासाउंड का टाइम होता था और दूसरे दिन जो है डॉक्टर के साथ विज़िट होता था। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले दिन हम थोड़ा लेट जाते थे, और जिस दिन हमें डॉक्टर के साथ विज़िट होता था जिस दिन, उस दिन हम मुझे सुबह 5 बजे जाना पड़ता था। वो भी आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर नाश्ता हम घर से करके आए थे, चाय का हमने सोचा था कि हम लोग कैंटीन से जाके पी लेंगे, क्योंकि कैंटीन की चाय तो अच्छी होती थी, लेकिन सर्दियों में गैस की वजह से उन्होंने कैटल वाली चाय बना के दे दी, और वो सही जो पकी हुई चाय है ना वो हमें मिली नहीं, और मतलब चाय की तरफ से जो मूड था ना वो सारा ख़राब हो गया और यहाँ पे मेहमत को ऑफ़र कर रहे थे भाई समोसा खा लें, और भाई जब एक दफ़ा मेहमत ने ना कर दी तो वो फिर हाँ नहीं हो सकती। और सिर्फ इसी वजह से समोसा नहीं खाया कि भाई समोसे का कलर जो है ना ब्राउन नहीं है, लगी है ना आपके पाँव पे। पीछे से भी हाय अल्लाह जी मेहमत। जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड का टाइम होता था ना, उस दिन हमें मेहमत को साथ लेके जाना पड़ता था, क्योंकि थोड़ी लेट जाती थी उस टाइम तक मेहमत उठ जाता है। तो यहाँ पर, और जब मेहमत साथ होता था ना तो बस उसकी यही चीज़ें चल रही होती थी, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। जैसे पहले जो है वो दरख्त के साथ लटक रहा था, उसके बाद यहाँ पे अपनी ही इसकी गेम्स चल रही होती हैं, और किसी जगह पे इसने टिक के नहीं खड़े होना या टिक के नहीं बैठना। यहाँ पे आदिल और मेहमत दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे, और मेहमत कह रहा था मैं छुपता हूँ और आप देखो। और ये टाइम जो है ना मेहमत के साथ ही गुजर सकता था, वरना इतना ज़्यादा लंबा टाइम वेट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी अल्ट्रासाउंड का डे था जिस दिन हमें अल्ट्रासाउंड करवाने जाना होता था, और नेक्स्ट डे है ये अब सुबह का, तकरीबन 5 बज रहे हैं। थोड़ा सा ये मैं साथ ले जाऊंगी, अभी दूध पी लेती हूँ, अजान होने लगी है, बस नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकलेंगे। मैं रेडी हो जाती हूँ तब तक नमाज अजाने हो जाएंगी। एक बाउल मैंने ये बना लिया छोटा सा, और एक साथ में मौसमी रख लूँगी फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे जो खाना है कैंटीन में जो नाश्ता है वो तकरीबन 5-7.30 बजे के बाद मिलता है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे ना पहले कुछ भी अनाउंस नहीं किया था, इवन हमने किसी इस बारे में कभी बात ही नहीं की थी, और मतलब इस दफ़ा जो है ना वो कुछ ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा था। मैं व्लॉग्स में भी आ रही थी या कुछ भी, किसी को पता नहीं चल रहा था। और जब मैंने अनाउंस किया, मतलब जब हमारी बेबी हो गई है, तो मतलब किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। और जो आप लोग पीछे वीडियोस देखते आ रहे थे, आदिल सुबह नाश्ता बना रहे हैं, आदिल दोपहर का नाश्ता खाना कर बना रहे हैं या मेरी हेल्प करवाने किसी चीज़ में, तो उसकी रीज़न बस यही थी। तो आप लोगों को अब यकीन आ जाएगा, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी आगे वीडियो शेयर करूँगी। मैंने कुछ कॉन्टेंट भी अपना बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर बस
हमारी बारी मेरी बारी आ गई थी, हमारी नहीं मेरी बारी जो थी वो आ गई थी। और डॉक्टर से चेकअप के से पहले हर हॉस्पिटल में यही होता है कि पहले बीपी चेक करवाएं और वेट चेक करवाएं। और मेरा वेट इस दफ़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इस दफ़ा मेरा वेट 80 से नीचे ही रहा था, इवन 75 से ऊपर वेट जो है ना वो मेरा लास्ट मंथ में गया था। और उसके बाद यहाँ पे हम सुबह महमत को साथ नहीं लेके आए थे, वो सो रहा था, और जब आदिल मुझे फिर छोड़ के चले जाते थे घर, और फिर वापसी पे महमत, जब मैं फ्री हो जाती थी महमत और आदिल आते थे और यहाँ पे हम लोग फिर नाश्ता करते थे। क्योंकि जब हॉस्पिटल में इतना वेट करना पड़े ना, फिर घर जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। रखें अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।